प्रधानमंत्री आवास योजना के आस में आज भी कई परिवारों के घर ध्वस्त हो चुके हैं। वहीं चतरा जिले की बात करें तो वहां पे लोग तंबू और त्रिपाल के सहारे अपना दिन काट रहे हैं, लेकिन मॉनसून की पहली बारिश ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया है। देखिए, चतरा जिले में केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लूट मची है। योजना क्रियान्वयन को अधिकारियों और लाभुकों के बीच सक्रिय बिचौलियों के करतूत के कारण जिले के टंडवा प्रखंड में अमीर मालामाल हो रहे हैं व गरीब और जरूरतमंद लोग हलकान हैं। इस प्रखंड में योजना में बिचौलिया गिरी इस कदर हावी है कि यहां संपन्न परिवारों को दो दो योजना का लाभ मिल रहा है। गरीबी का दर्द झेल रहे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बस तारीख पर तारीख मिल रही है। ऐसे में कई परिवार ऐसे हैं जो सरकारी उदासीनता और बिचौलियों की तानाशाह नीति के कारण आज बरसात के मौसम में भी तंबू के सहारे अपनी जिंदगी काट रहे हैं, जिन्हें ना तो पंचायत प्रतिनिधियों का सहारा मिल रहा है और ना ही तंत्र के रहनुमानों का। ऐसे में टंडवा प्रखंड के पोकला उर्फ कसियाडी पंचायत की मोहिनी मसोमात व तापेश्वरी दवी जैसे गरीब और निर्धन दर्जनों परिवार आज सरकारी उदासीनता के कारण क्षतिग्रस्त घर में रहकर अपनी मौत को आमंत्रित कर रहे हैं, जिसके बाद घूस के तौर पर पैसे देने में असमर्थता जताने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद इन्हें बस आश्वासन और तारीख पर तारीख ही मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। पूरा तो घर गिर गले तो करवा प्लास्टिक प्लास्टिक डाल के और बगल में बदनी के घर है वही घर में ही है अभी और ऐसी कच्ची कफन गिर जाए घर वह पूरा तो पूरा टूटले है एको कच्ची सहारा नहीं है और वो है तो पूरा घर और ढकले है तनखो नहीं है कुछ न गैस मिल ले है न लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं। जब घर गिर गए तो मुखिया के बोले लिए उप मुखिया के बोले लिए तो कहलिए जो देखान कैसे कैसे रहिए घरवा में से कहीं न खे रहे वाला और कैसे कैसे प्लास्टिक व्लास्टिक डाल के रहिए तो कहले हम अठिन तो को उपाय न खो से थाना जा और केस करा और ब्लॉक जा तो कहलिए देखा बाबू उन्हें हमारा थाना देखा लो न ब्लॉक देखा लो न हम केकरो जोरे बोल ले आज तक तो हम केकर से ककरा बोले जाइए अब तू गांव के हा मुखिया सरपंच यही खातिर रहा है तो कुछ भी ना दे हम अठिन को उपाय न को इसमें घर गिर गए है तो मुखिया के देखे लिए तो बोले थे 2 साल हो गए हैं तो बोली कि ठीक है बाद में देगा इतना दिन सबके कॉलोनी बन गए हैं हम इनके देखे न अभी तक ले तो हम कैसे रहिए घर में गिरल में हम इनके बहुत दिक्कत हुए था थोड़ा सा घर बचल है उतने में ही रहिए अभी तक कोई दिक्कत है इहो घर में गिर जेते प्लास्टिक दे के आए के लिए बाकी कब गिर जेते वो पता नहीं बहुत दिक्कत हो हम के देते न हाँ बड़का बड़का से कॉलोनी मिल गए हैं हम के तो देते न अभी तक ले 2 साल हो गए हैं बड़का बड़का बिल्डिंग सब के देख के ना हम के ना देख के कॉलोनी इहो घर में गिर जेते चाहे हम कैसे रहबे 4 महीना अभी बाकी है एक दिन बारिश शुरू भेले है अरे ही घर वो गिर जेते तो हम कैसे रह भाई बारिश में अभी 4 महीना बाकी है अभी। क्या नाम हुआ आपका?